हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम दो कलर में बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा गोलाकार का डोरमेट बनाएंगे। इस डोरमेट को बनाने के लिए देखिए, मैंने ये दो कलर की वूल ले ली है। ये मैंने वूल को डबल कर लिया है इस तरह से, देखिएगा। और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 पट्टी इसमें बना ली है। और यहाँ पर मैं आगे आपको बना करके दिखाऊंगी कि मैंने इस पट्टी को किस तरह से बनाया है। तो देखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर फंदे डाले थे और फंदे डालने के बाद इसे शुरू किया था, बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखाऊंगी। तो देखिएगा किस तरह से हमने इसे बनाया है, यहाँ पर देखिएगा। अब हम ये पर्पल कलर लगा लेंगे, तो पर्पल कलर से पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेंगे। लास्ट तक सभी फंदे उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से, बिल्कुल उल्टी उल्टी सिलाई से बनकर आने वाला ये हमारा बहुत ही इजी सा डोरमेट है, गोलाकार का। बिगनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। देखिएगा, इसे मैंने 16 फंदे से बनाया है। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से फंदे डाल सकते हैं। आप इसमें 20 फंदे डाल ले, 30 फंदे डाल ले, 40 फंदे डाल ले, 50 फंदे डाल ले, जितना बड़ा आपको बनाना है उसी हिसाब से आप इसमें फंदे डाल सकते हैं। तो देखिएगा, उल्टी सीधी साइड से भी हम पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे, लास्ट का एक फंदा छोड़ देंगे और वापस से इसे पलट जाएंगे। तो अब देखिएगा, उल्टी साइड इस फंदे को बनाएंगे नहीं, इस तरह से उतार लेंगे। ऐसे उतारा, उतारने के बाद पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से शुरू से स्टार्ट किया था उसी तरह से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं इसे आपको बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, उल्टी सिलाई पूरी उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं सीधी साइड। इस सिलाई को भी हम देखिएगा उल्टा बुनेंगे, लास्ट का एक फंदा छोड़ देंगे इस तरह से। देखिएगा, एक फंदा छोड़ेंगे, एक फंदा हमने पिछली सिलाई में छोड़ा था, एक फंदा अब की बार छोड़ेंगे और वापिस इसे पलट जाएंगे। फिर से देखिएगा, उल्टी साइड इस फंदे को उतार लेंगे। ऐसे फंदा उतारा, इसे बनाएंगे नहीं और पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई लास्ट तक सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिएगा, सीधी साइड उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे, लास्ट का एक फंदा छोड़ देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए करेंगे, देखिएगा इसे कंप्लीट हम। एक फंदा आपके बार छोड़ेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। और उल्टी साइड से इस फंदे को बनाएंगे नहीं, उतारेंगे। फिर सभी फंदे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। फिर से सीधी साइड आ गए हैं। लास्ट का एक फंदा छोड़ने तक सभी फंदे हम बना लेंगे उल्टा उल्टा। ये लास्ट का फंदा छोड़ेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतार लेंगे, बनाएंगे नहीं और उल्टी सिलाई पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड देखिएगा, इस फंदे को लास्ट का फंदा छोड़ने तक एक एक फंदा पीछे की साइड छोड़ते हुए जाना है। ये फंदा हम छोड़ेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ पर इस फंदे को उतारेंगे, बनाएंगे नहीं और बाकी फंदे उल्टा उल्टा बुना लेंगे इस तरह से।
फिर से देखिएगा सीधी साइड आ गई है यहाँ पर। दो चार पाँच छः, छः फंदे बनाएंगे, ये फंदा छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से हमने जो फंदे डाले हैं, जितने भी आप फंदे डालें, सभी फंदे एक एक करके छोड़ते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा उल्टी सिलाई में हम इस तरह से बनाएंगे। सीधी साइड देखिएगा, अब हम एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे बनाए, यहीं से पलट जाएंगे और इस फंदे को उतार लेंगे। बाकी ये फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर से देखिएगा, एक फंदा बनाएंगे, दो तीन चार, चार फंदे बनाए और यहीं से पलट जाएंगे। एक एक करते जितने भी आप फंदे डालें, सभी फंदे एक एक करते हुए छोड़ने हैं। इस फंदे को उल्टी सिलाई में उतारना है, बनाना नहीं है। तो देखिएगा इस तरह से बनाएंगे। बहुत ईजी है, बिगनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं और बुनने के बाद इतना प्यारा बन के आएगा, बहुत ही प्यारा सा हमारा ये। आप इसे पूजा आसन में यूज कीजिए, टेबल मैट में यूज कीजिए, डोर मैट में यूज कीजिए, आप इसे पुरानी चुन्नी या साड़ी से भी बना सकते हैं। तो देखिएगा फिर से सीधी साइड दो फंदे बनाए और यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारा और एक फंदा हमने बना लिया। तो इसी तरह से देखिएगा, हमने एक एक करते हुए यहाँ पर सभी फंदे छोड़ दिए हैं और अब हमें क्या करना है, ये जो फंदे छोड़े थे सभी फंदों को साथ में बनाएंगे, पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। जो फंदे छोड़े थे सभी फंदे ऐसे ही बना लेंगे इस तरह से, देखिएगा। लास्ट तक सभी फंदे हमने बना लिए और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिएगा हम यहाँ पर सेकंड कलर लगाएंगे। तो सेकंड कलर लगाने के लिए देखिएगा, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ये जिस तरह से हमने देखिएगा इस तरह से बनता हुआ आएगा। तो यहाँ पर हमने इस कलर से बनाया था, अब हम पर्पल कलर येलो कलर लगाएंगे। तो येलो कलर लगाने के लिए देखिएगा, पूरी सिलाई येलो कलर से बनाएंगे, सभी फंदे बनाएंगे हम एक सिलाई उल्टी साइड से और एक सिलाई सीधी साइड से बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा ये हमने उल्टी साइड से बना ली है, ये है सीधी साइड। तो सीधी साइड से भी हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से। लास्ट का देखिएगा, एक फंदा हम छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। और देखिएगा इस फंदे को उल्टी सिलाई में इस तरह से उतारेंगे, बनाएंगे नहीं, और यहाँ पर बाकी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह से बनाते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे, लास्ट का एक फंदा छोड़ने तक। इसी तरह से हर सिलाई में हमें एक एक फंदा छोड़ते हुए जाना, एक फंदा छोड़ा, फिर अब की बार एक फंदा छोड़ेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। उल्टी सिलाई में इस फंदे को उतारना है, बनाना नहीं है। और
पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए मैं फिर से बताती हूँ, कई बार कमेंट आते हैं कि इसे बड़ा के कैसे बनाएं, तो बड़ा ये इसी तरह से बनेगा। इसमें आप, मैंने 16 फंदे से बनाया, आप इसे 20, 25, 30 जितने भी मर्जी बड़ा बनाना चाहें उतने ही फंदे इसमें डाल लें, और इसी तरह से एक एक फंदा पीछे की साइड छोड़ते हुए बना लें। जितने फंदे डालेंगे उतने ही फंदे आपको पीछे की साइड छोड़ने हैं, सभी फंदे छोड़ने हैं एक एक करते हुए। जैसे मैंने अब यहाँ पर देखिएगा 3 फंदे छोड़े और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टी सिलाई में इस फंदे को उतारना है, बनाना नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, चाहे आप इसे 100 फंदे से बनाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है, जितना बड़ा बनाना चाहें उसी हिसाब से फंदे डाल सकते हैं। तो देखिएगा फिर सीधी साइड आ गई हैं, तो सीधी साइड हम एक फंदा छोड़ने तक इस तरह से देखिएगा, ये एक फंदा छोड़ेंगे और वापिस से इसे पलट जाएंगे। पीछे की साइड एक एक फंदा छोड़े, उल्टी सिलाई में इस फंदे को इस तरह से उतारना है, बनाना नहीं है, और ऐसे ही देखिएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदे बनाए और पीछे की साइड एक फंदा छोड़ेंगे, वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से 16 के 16 फंदे हमने छोड़ने हैं और उल्टी सिलाई में इस फंदे को बनाना नहीं है, उतारना है। ऐसे तो देखिएगा फिर से इस फंदे को बनाएंगे, यहाँ पर हम इस फंदे को बनाएंगे और 3, 4, 5, 6 फंदे बनाए, एक फंदा पीछे की साइड छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। उल्टी सिलाई में इस फंदे को उतारना है, बनाना नहीं है, और पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। सीधी साइड से 1, 2, 3, 4, 5 सीधी साइड जब हम आएंगे तो हमें पीछे की साइड एक एक फंदा छोड़ना है और उल्टी साइड हम इस फंदे को उतारेंगे, बनाएंगे नहीं। इसी तरह से हमें बनाते हुए इस पूरे डोरमैट को कंप्लीट करना है। देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इसे बनाना बताया है। फ्रेंड्स आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर हम इस फंदे को उतारेंगे और बाकी फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे इस तरह से। फिर से देखिएगा इस फंदे को बनाएंगे यहाँ तक, फिर इसे पलट लेंगे यहीं से, एक एक फंदा पीछे की साइड हर सिलाई में सीधी साइड से छोड़ना है और उल्टी साइड से उस एक फंदा हमें उतारना है, उसे बनाना नहीं है। तो देखिएगा 2 फंदे बनाए और इस फंदे को छोड़ेंगे यहाँ पर, फिर से यहीं से पलट जाएंगे, उल्टी साइड इस फंदे को उतारेंगे और एक फंदा बना लेंगे। देखिएगा इस तरह से ये हमारी बन के आएगा ऐसे इस तरह से। देखिएगा अब हमें येलो सभी फंदे बनाने हैं दोनों साइड से, फिर हम सेकंड कलर ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस डोरमैट को बनाना है। देखिएगा जितना भी बड़ा मर्जी बनाना चाहें आप उसमें फंदे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कली मैंने बनाई है और एक पर्पल कलर की कली मैं इसमें और बनाऊंगी, उसके बाद हमारा ये जो डोरमैट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जिस तरह से जितने बड़े
बड़ा बनाना चाहें उसी हिसाब से फंदे डालेंगे तो ये उतना ही बड़ा बन के आ जाएगा। मैंने इसे 16 फंदे से बनाया है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लगा।